नमस्कार मित्रों, अ प्लेस टू विजिट में आपका स्वागत है। हमारी अष्टविनायक यात्रा में आज मैं आपको लेके जा रही हूँ विघ्नेश्वर मंदिर की यात्रा में, जो ओझर में स्थित है, जो विघ्नहर नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी अष्टविनायक यात्रा का सातवां पड़ाव है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी यात्रा में। ओझर में पूजे जाने वाले गणेश रूप को विघ्नेश्वरा या विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई और सैन्य कमांडर चिमाजी अप्पा ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये गणपति मंदिर अपने स्वर्ण कलश और दीपमाला के लिए लोकप्रिय है। ये जगह गणेश की एक कथा से जुड़ी हुई है। इस जगह पर गणपति ने बाधाओं के दानव विघ्नासुर को हराया था, इसलिए यहाँ पे गणपति को विघ्नहरा के नाम से जाना जाता है। विघ्नहरा का मतलब बाधाओं का निवारण। आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो और इस मंदिर के टाइमिंग्स, रहने के लिए कौन सी जगह ठीक है, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है, तो आप वो देख सकते हो। गणेश जयंती में गणेश के दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। मंदिर के सदस्यों और ट्रस्ट ने मंदिर को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा है। ओझर का ये गणपति मंदिर महाराष्ट्र में पुणे जिले के जुन्नर तालुका में पड़ता है। यहाँ पे दर्शन करने से आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार पर दो द्वारपाल की मूर्तियां हैं। माना जाता है कि यहाँ पे गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है, जो प्राकृतिक रूप से हाथी के मुंह वाले पत्थर के रूप में होती है। यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर है। हर किसी को जीवन में एक बार इस पवित्र स्थान की यात्रा करनी चाहिए, ताकि देव सौंदर्य का अनुभव किया जा सके और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे मंदिर का परिसर साफ और बहुत शांतिपूर्ण है। मंदिर के पीछे नदी में नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर में दो बड़े हॉल है, जिसमें गुंडीराज गणेश की प्रतिमा है और सफेद संगमरमर का मूसिका है, जो गणपति का वाहन है। मंदिर की दीवारें रंगीन मूर्तियों से भरी हुई है। गणपति की मूर्ति पूर्व की ओर मुख किए हुए है और उनकी संरक्षिका सिद्धि और रिद्धि की पीतल की छवियों से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि गणपति की अष्टविनायक यात्रा, मतलब कि गणपति के आठ मंदिर का दर्शन एक साथ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के अनुरोध पर गणपति यहाँ स्थापित हुए थे। यहाँ पे मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। हमारी अष्टविनायक यात्रा में हम अगली बार महागणपति मंदिर की यात्रा में जाएंगे, जो हमारी यात्रा का आठवां और आखिरी पड़ाव है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी यात्रा में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।